नमस्ते भैया सब लोगों को। आज 3 जून है, ठीक है भाई। 3 जून से रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले तो हम आपको बता देते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे कि पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, रिसेंटली इनमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ये आपको सीधे सीधे पेपर में मिलेगा कि भाई पॉलिसी रेपो रेट या रेपो रेट क्या हो, कितने परसेंट है भारत की, तो यह 4%। इसके अलावा है रिवर्स रेपो रेट, तो 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25 और बैंक रेट 4.25। ये देखिए हमेशा ये दोनों रेट हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट, ये हमेशा बराबर रहती है। इसके बाद CRR है जो 3% है और SLR है प्रेजेंट टाइम पे 18%। ठीक है, तो ये सारी रेटें आपको क्लियर होनी चाहिए, इनमें से पक्का आपको एक ना एक रेट पेपर में देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो अपना गुजरात चल रहा था। देखो आपको करना क्या है, गुजरात का भी हम करंट करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक पेज पर गुजरात और उसके रिलेटेड सारे के सारे करंट एक साथ लिखते चलना है। चलो गुजरात का करंट आज कराते हैं, बस कल और होगा या हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन की सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो गुजरात है भैया। समझ रहे हो ना, छत पे जो लगाया जाता है सोलर सिस्टम, उसमें जो है सबसे पहले नंबर पर गुजरात है। इसके अलावा सौराष्ट्र ने राजकोट में बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता था लास्ट ईयर। इसके अलावा लास्ट ईयर का मतलब 2019-20 वाला। इसके अलावा नीदरलैंड की फ्लाइंग कार निर्माता कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है पर्सनल एयरलैंड व्हीकल, ठीक है, ये अपना संयंत्र स्थापित कर रही कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है भाई, चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा देखो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, ठीक है, सैनिटाइजिंग टनल बनाने वाला, ठीक है, पहला रेलवे स्टेशन बनाया। इसके अलावा ठीक है वाहली दीकरी योजना, ठीक है, वाहली दीकरी योजना कहाँ की है, ये भी गुजरात की है। उत्सर्जन व्यापार योजना, ये भी गुजरात की है। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, ये भी गुजरात की है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये भी कहाँ की, गुजरात की है। भाई योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगातार योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, हर राज्य अपनी अपनी योजना लॉन्च कर रहा है, तो आपको योजनाओं को पढ़ के रखना है बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो भाई आ जाते हैं। आज 3 जून है, 3 जून के कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। किस सरकार ने या किस राज्य ने शराब पर कोविड उपकर, ठीक है, सेस लगाया है। अभी तक आप देखते थे, ठीक है, सेस लगता था शिक्षा के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर सेस लगता था। इस बार पंजाब राज्य ने क्या किया है, कोविड उपकर, कोविड सेस लगाया हुआ है। आपने देखा होगा दिल्ली राज्य ने भी लगाया हुआ था कोविड सेस, ठीक है, शराब वगैरह पे, ठीक है, लिकर पर, बता रही ना। तो यहाँ पे पंजाब ने लगाया है। पंजाब की जो सीएम है वो अमरिंदर सिंह है, जो गवर्नर है वो बीपी सिंह बडनोर हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं। त्रिपुरा में है हराई लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा फेस्टिवल। आपसे पूछेगा कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है लाई हरोबा, एक बार हम आपको ये और करा चुके हैं। इसके अलावा है, ठीक है भाई, इसके अलावा देखो, इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर का जो फेस्टिवल है, लाइट बंद हो गई, चलो कोई बात नहीं, मणिपुर का जो फेस्टिवल है उसका नाम क्या है, लुई नगई नी और सिरई लिली फेस्टिवल, ये दोनों कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। इसके अलावा मेघालय के हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, मेघालय का है, ठीक है। मिजोरम का है चापचरकूट, चापचरकूट फेस्टिवल कहाँ का है, मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन देखो, किसने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधक इकाई विकसित की है, तो उसका आंसर होगा भाई DRDO ने, DRDO ने इकाई से विकसित की है, ठीक है, जिससे कि डॉक्टर्स वगैरह का क्या हो सके, PPE किट वगैरह जल्दी जो है सैनिटाइज कर किया जा सके, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा DRDO, इसका DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, DRDO का फॉर्मेशन हुआ 1958 में। इसके अलावा ICMR भी चर्चा में रहा, आप देखते होगे डेली ICMR की रिपोर्ट आती थी TV पर 4 बजे, तो ICMR का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और CSIR की जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में। आपको बेंगलुरु में एक चीज़ याद रखनी है, एयरो इंडिया का 13th एडिशन जो है बेंगलुरु में हुआ है। एयरो इंडिया का कौन सा एडिशन, 13th, 13वां एडिशन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य ने फर्स्ट बेल के नाम से स्कूली छात्रों के लिए, ठीक है, एक वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की है, तो उसका आंसर होगा केरल, ठीक है। केरल ने क्या किया, वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की स्कूल छात्रों के लिए, ओके भाई। केरल की देखो स्कीम है दोनों स्कीम याद रखनी है, ठीक है, विजय मृतम और सहचरी, विजय मृतम और सहचरी स्कीम कहाँ की, केरल की। आपसे पूछेगा भाई विजय मृतम स्कीम कहाँ की है, तो आपको आंसर बताना है केरल की। इसके अलावा कर्नाटक की एक स्कीम है जनसेवक, ठीक है, कर्नाटक की स्कीम का नाम क्या है, जनसेवक, केरल की है विजय मृतम और सहचरी। इसके अलावा तमिलनाडु की में देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लॉ लाने वाला पहला स्टेट बना है तमिलनाडु, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जानते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो लॉ बनाने वाला पहला राज्य है वो तमिलनाडु बना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश रायतू भरोसा, ठीक है, रायतू बंधु हमने आपको पढ़ाया था तेलंगाना में, और रायतू भरोसा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अम्मा बोडी, नाडू नेडू, कनुका पेंशन और
इंती वटकी योजना, ये सब आंध्र प्रदेश की हैं। इसके अलावा तेलंगाना की, तेलंगाना ने क्या किया 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है, किसने, तेलंगाना ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, उसका नाम विश्वास मेहता, ठीक है, केरल के नए मुख्य सचिव बने हैं, ठीक है। इसके अलावा कपिल देव त्रिपाठी जो है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी बने हैं। इसके अलावा मनीषा सिंह जो है डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। देखो ये सब हम पहले करा चुके हैं, बिमल जुल्का हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, CICA के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, बिमल जुल्का, ठीक है। CIC और CBC भाई दोनों याद रखने हैं आपको, CBC का कमेंट बता देंगे, बता चुके हैं एक बार, CBC का कमेंट करके बताएंगे कौन है हेड। इसके अलावा सुनील जोशी BCCI की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है सुनील जोशी को। आगे चलते हैं, सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्का पेपर में आएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको बोलते हैं PM स्वनिधि की योजना का अनावरण किया। इस योजना की अवधि कब तक है, तो इसकी अवधि है मार्च 2020 तक। भाई एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है भाई, और अगर वो टाइम से इसको पेमेंट कर देते हैं तो उनको 7% की छूट भी मिलेगी, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अमित पंगाल का संबंध किससे है, बॉक्सिंग से। कृष्ण विकास कृष्ण इसका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से। भाई ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, रिसेंटली चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए आपको नाम याद रखने हैं किससे संबंधित हैं। इसके अलावा देखो भाई, अभी तक माइक्रो स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन चेंज की गवर्नमेंट ने अभी, ठीक है, रिसेंटली। देखो माइक्रो स्मॉल और मीडियम में डेफिनेशन, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए डेफिनेशन अलग अलग हुआ करती थी, अब माइक्रो स्मॉल और मीडियम दोनों इनकी डेफिनेशन है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वही है और सर्विस के लिए भी वही है। तो माइक्रो की डेफिनेशन क्या है, जो 1 करोड़ तक की जो कंपनी, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का होगा वो माइक्रो में आएगी, जिसका जो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होगा और टर्नओवर 50 करोड़ होगा वो स्मॉल में आएगी, और जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ होगा और टर्नओवर 250 करोड़ होगा वो मीडियम में आएगी। भाई ये पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, परसों ही इसमें रिसेंटली चेंज हुआ है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, MSME से रिलेटेड हर एक पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़, ठीक है, इतने का बजट पेश किया, मतलब इतने रुपए का जो है मतलब पूरा व्यवस्था की है, ठीक है, बजट ही मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, पेश किया है लोगों के लिए, ठीक है, MSME के लिए, MSME सेक्टर के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 8वां क्वेश्चन, किस बैंक ने दिस इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, तो यस बैंक ने। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी विकास बैंक के MD CEO सुब्रमण्यम सुंदर लक्ष्मी विकास बैंक, देखो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि RBI ने भी इनका जो है टेन्योर 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है सुब्रमण्यम सुंदर का, ठीक है। इसके अलावा SBI के जो चेयरमैन है रजनीश कुमार, संजय अग्रवाल जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है भाई, स्मॉल फाइनेंस बैंक, भाई कमेंट करके बताएंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए कितने करोड़ का कैपिटल होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, और पेमेंट बैंक के लिए कितने का चाहिए होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितने का चाहिए होता है, पढ़ा चुके हैं आई थिंक हम एक बार, ठीक है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक दोनों में कितने कैपिटल चाहिए होती है स्टैब्लिश करने के लिए, कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा सुनील गुरबख्शानी धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO है, सुमंत कटपालिया ये इंडसइंड बैंक के MD CEO है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने इंड GECLS जेल्स COVID-19, ठीक है, गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम की शुभारंभ की है, तो इंडियन बैंक ने। इसके अलावा ठीक है, SpaceX द्वारा निर्मित एक अंतरिक्षयान क्रू ड्रैगन, नाम याद रखना भाई, क्रू ड्रैगन ने अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक ले जाया है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या हैं, तो डगलस हार्ले और रॉबर्ट बेहनकेन, ठीक है भाई, ये दोनों नाम याद रखना है भाई, ये स्पेस में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा देखो एबल प्राइज किसे किसे मिला है, तो हेलेल फुस्टेनबर्ग और ग्रिगोरी मार्गुलिस, ठीक है, इनको एबल प्राइज मिला है। एबल प्राइज क्या होता है भाई, मैथमेटिशियंस को दिया जाता है एबल प्राइज, ठीक है, मैथ का नोबेल प्राइज कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो आपको उसको याद रखना है, ये हम पहले भी करा चुके हैं एबल प्राइज के बारे में, ठीक है। अब और कमेंट में सरस्वती व्यास और ज्ञानपीठ तीनों को कमेंट करके बताना है, सरस्वती व्यास और ज्ञानपीठ किसको मिला है, कमेंट करके बताएंगे सब लोग भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे अपनी कंट्री कैपिटल में चलते हैं, गुआम, ठीक है, गुआम अगाना डॉलर। इसके बाद हांगकांग विक्टोरिया डॉलर, ऐसी याद करना है SCCC से, हांगकांग विक्टोरिया डॉलर, गुआम अगाना डॉलर, ठीक है, साइप्रस निकोसिया पाउंड, ब्रुनेई बंदरसेरी डॉलर। इसके बाद जापान टोक्यो येन, भाई तीन तीन के का सीक्वेंस में याद करोगे तो ही याद कर पाओगे, वरना आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है भाई, ऐसे ही याद करना है।
आगे देखो अपनी लेक चल रही थी, तो लेक में आगे चलते हैं। राजस्थान, राजस्थान की लेक देखो कौन सी है, राजसमंद झील, ठीक है, पिछौला झील, सांभर, फतेह सागर, पुष्कर। राजसमंद, पिछौला, सांभर, फतेह सागर, पुष्कर, ठीक है, राजसमंद, पिछौला, सांभर, फतेह सागर, पुष्कर, ठीक है। तो ये अपनी आज की लेक हो गई भाई। इन सबको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे आपको उतनी प्रॉपर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में यस लिख दो। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई एक बार शेयर जरूर कर देना सब दोस्तों के साथ, ठीक है। आई थिंक मेहनत देखो आपके साथ पूरी की जा रही है, बस आप इनका प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, ठीक है, और फिर कल मिलते हैं अपन लोग, ठीक। चलो भाई, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।